स्वरा भास्कर, तेरी सटक गई है, तेरी सटक गई है और तेरी दिमाग की अकल अटक गई है। ओके, ओपन लेटर, ओपन। अभी मैं तुझे ओपन लेटर भेजूं क्या? तू जैसा काम करती है, भेजूं ओपन लेटर कि तेरा सब कुछ ओपन हो जाएगा। स्वरा भास्कर, तेरी सटक गई है, तेरी सटक गई है और तेरी दिमाग की अकल अटक गई है। ओके, ओपन लेटर, ओपन। अभी मैं तुझे ओपन लेटर भेजूं क्या? तू जैसा काम करती है, भेजूं ओपन लेटर कि तेरा सब कुछ ओपन हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि इतना इतना विवाद, नहीं मुझे नहीं लगा था कि इतना बवाल हो जाएगा, और मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग जो कि फिल्म से कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से, वो इतने नाराज़ हो जाएंगे। और मुझे ये भी नहीं पता था कि एक ख़ास शब्द जो वी से शुरू होता है, यहाँ बहुत सारे फैमिली चैनल हैं तो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए वो वर्ड, वो इंग्लिश में वी से शुरू होता है, हिंदी में वाई य से शुरू होता है, वो महज वो बोलने से इतना बवाल हो जाएगा। आई मीन फ्रैंकली आई रियली थिंक कि थोड़ा, मतलब अभी ठीक है यार, मैंने एक बात रखी है, आगे से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, इसमें इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। एंड खासकर उन लोगों को इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है जिनका फिल्म से कोई लेना देना भी नहीं है। सो मतलब मानसिक रूप में नहीं, मैंने इतना ये सब नहीं सोचा यार। आप मेरे मन में कोई ऐसी बुरी नीयत, मतलब मंशा नहीं थी जो भी मैंने बोला, मैंने बहुत ही जायज़ सवाल रखे हैं। एंड आई थिंक कि ये कॉन्वर्सेशन फ्रैंकली हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक अच्छी बात है कि हो रहा है। इसके अलावा मैंने इतना नहीं सोचा, और मैंने कतई ये नहीं सोचा था कि इतना इंटरेस्ट जागेगा इस चिट्ठी के पीछे, और कि भारत की जनता इतना पढ़ती भी है, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू।